अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू सॉफ्ट हैक्स। होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आप लोगों को एमएस एक्सेल, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक एप्लीकेशन है और बहुत यूज़फुल एप्लीकेशन है, और इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में इसका मैक्सिमम यूज़ हो रहा है, तो इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को दूंगी। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम एमएस एक्सेल ओपन करते हैं एंड ब्लैंक वर्कबुक। एक्सेल में जो बुक है उसका डिफ़ॉल्ट नेम है वर्कबुक, उसको वर्कबुक से नेम से पुकारा जाता है, और वर्कबुक के अंदर वर्कशीट्स होती हैं। जिस तरह से ये देखें, मेरे पास शीट वन आ रही है और मैं शीट्स और भी ऐड कर सकती हूँ, अनलिमिटेड मैं शीट्स ऐड कर सकती हूँ, इसमें डिलीट भी कर सकती हूँ मैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि एमएस एक्सेल होता क्या है और इसमें हम करते क्या हैं। एमएस एक्सेल जो है वो बेसिकली एक बिजनेस एनालिटिकल टूल है, और एनालिटिक्स जो है वो एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें रॉ डाटा को एग्जामाइन किया जाता है ताकि उस डाटे से हम मीनिंगफुल और लॉजिकल कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकें। जिस तरह से हम अपने एक डाटे को सॉर्टिंग, फॉर्मेटिंग और डिफरेंट फार्मूला सच एज एच लुकअप, वी लुकअप, ये तो एडवांस फार्मूलाज हैं, इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे, तो इस इन फार्मूलाज की मदद से हम उनको मतलब डिफरेंट एनालिसिस कर सकते हैं उस डाटे का, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको काफ़ी हेल्प होती है ताकि वो बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक नो हाउ ऑफ द एक्सेल। सबसे पहले टैब्स डिस्कस करते हैं। ये जिस तरह से मेरे पास शो हो रहे हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज एंड ऑल ऑफ दैट, इनको हम कहते हैं टैब। जब मैं वर्कबुक ओपन करती हूँ तो होम टैब जो है वो मेरे पास डिफॉल्ट ऑन हुआ हुआ होता है। इसी तरह इंसर्ट टैब, पेज टैब, पेज लेआउट टैब एंड फार्मूलाज टैब, डाटा टैब एंड ऑल ऑफ दैट। और टैब में जो है वो ये डिफरेंट रिबन्स हैं, रिबन्स के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स हैं। जिस तरह से अगर मैं कहूँ कि ये फॉन्ट ग्रुप है, ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है और नंबर ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप, तो सबसे पहले टैब्स, देन रिबन्स एंड देन ग्रुप्स। और एक्सेल में जिस तरह से ये देखें, ये मेरे पास एक कॉलम है, इसको मैं कॉलम कहूँगी, जो वर्टिकली है, और जो हॉरिजॉन्टल है उसको रो। और ये जो है मेरे पास एक सेल है जिसका एक यूनिक एड्रेस है, जो नेम बॉक्स में मेरे पास यहाँ पर शो हो रहा है, दिस इज़ कॉल्ड नेम बॉक्स। सबसे पहले कॉलम ने होगा डी एंड देन सिक्स, दैट इज़ रो, सो डी सिक्स। अगर मैं किसी भी अपना कर्सर मूव करूँ तो उसका जो एड्रेस है यूनिकली आइडेंटिफाइड एक्सेल में, वो मेरे पास नेम बॉक्स में शो होगा, जी सेवन एंड आई थ्री। नेम बॉक्स के राइट साइड पर है फार्मूला बार। अगर मैंने अपने एक सेल में कोई भी फार्मूला इनकॉर्पोरेट कर रखा है, सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, जो भी ये बेसिक फार्मूलाज हैं, कोई और भी एडवांस फार्मूला, तो वो इस फार्मूला बार में मुझे शो होंगे। और ये सारा शीट्स का मैं आपको लोगों को बता चुकी हूँ। और शीट के नीचे है स्टेटस बार। स्टेटस बार हम इतना इसका यूज़ नहीं है, मगर ये इसका एक्सेल का पार्ट है स्टेटस बार। तो सबसे पहले हम कॉलम देखते हैं। कॉलम की जो डिफ़ॉल्ट विड्थ है वो हम यहाँ से राइट क्लिक करके इस पे चेक कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट विड्थ जो है हर कॉलम की एक्सेल में 8.43 है, और अगर मैं इसको ज़ीरो करूँ तो कॉलम जो है वो हाइड हो जाएगा। और रो जो है, रो की भी डिफ़ॉल्ट हाइट होती है, अगेन राइट क्लिक एंड गो फॉर रो हाइट, दैट इज़ 15 डिफ़ॉल्ट हाइट। और इसको भी अगर मैं ज़ीरो कर दूँ तो रो भी हाइड हो जाएगी। अब देखें, जैसे मैंने ई कॉलम को और रो नंबर सिक्स को मैंने हाइड कर रखा है, और मैं डॉक्यूमेंट मैंने बंद कर दी थी और मैं दोबारा खोल लिए, तो मुझे याद नहीं है कि मैंने कौन कौन सी रोज और कॉलम्स को मैंने हाइड कर रखा है। तो इसके लिए एक शॉर्टकट मेथड है, अगर मैं कर्सर रखकर कंट्रोल ए प्रेस करूँ तो ये सारी स्प्रेडशीट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। और इसी तरह अगर मैं ये जो डाउन एरो आपको शो नज़र आ रहा होगा वन के ऊपर, इसको भी अगर मैं क्लिक करूँगी तो सारी जो स्प्रेडशीट है वो सिलेक्ट हो जाएगी। और अगर मैं किसी भी कॉलम पर राइट क्लिक करूँगी और अनहाइड करूँगी तो जितनी भी कॉलम जो हैं वो हाइडेड होंगी वो सारी की सारी अनहाइड हो जाएंगी। इसी तरह अगर मैं किसी भी रो पर क्लिक करूँ और देन अनहाइड, तो जितनी भी रोज जो हैं मेरे पास हाइडेड होंगी वो सारी की सारी अनहाइड हो जाएंगी। तो ये हाइड और अनहाइड का कंसेप्ट था। और जो ये है इसको हम कहते हैं क्विक एसेस टूल बार। इसको हम अपने रिबन्स के ऊपर भी शो कर सकते हैं, इस टाइम ये रिबन के ऊपर है, और अगर मैं चाहती हूँ कि ये रिबन्स के नीचे आए तो ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू शो हो रहा है इसमें सबसे एंड में ऑप्शन है शो बिलो द रिबन, तो ये मेरे पास फार्मूला बार और नेम बॉक्स के ऊपर शो होंगे, यानी कि रिबन्स के नीचे मुझे शो हो जाएंगे। इसी तरह अगर मैं कोई शीट ऐड या डिलीट करना चाहूँ, ऐड तो मैं सिंपली कर सकती हूँ प्लस से,
और डिलीट भी, मैं राइट क्लिक और डिलीट। अब ये देखें एक ऑप्शन दे रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विल परमानेंटली डिलीट दिस शीट, डू यू वांट टू कंटिन्यू। और अगर मैं इसको वाकई डिलीट करना चाहती हूँ, मेरे इसमें कोई कॉन्फिडेंशियल डाटा नहीं है, तो आई विल गो फॉर डिलीट। तो ये डिलीट हो गई है रो। अगर मैं रीनेम करना चाहूँ तो मैं डबल क्लिक करके भी रीनेम कर सकती हूँ, या फिर राइट क्लिक रीनेम सॉफ्ट। इसी तरह अगर मैं शीट, ये जो पूरा एक बॉक्स बना हुआ है इसको हम कहते हैं शीट टैब। अगर मैं चाहती हूँ कि इस टैब को भी मैं कलर कर दूँ, तो राइट क्लिक और टैब कलर, तो मैं कोई भी कलर सेलेक्ट कर लूँ, ग्रे, तो ये ग्रे हो जाएगा मेरे पास, या पर्पल पैरेट, जो भी है, जो भी मैं कलर करना चाहती हूँ वो टैब का कलर हो जाएगा। तो ये बेसिक्स थी एक्सेल की, आई होप कि आपको अंडरस्टैंड आई होंगी। और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई या उससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अपनी क्यूरी, या डिस्क्रिप्शन में जो ईमेल है उस पर आप मैसेज सेंड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।